Hello everyone. So in the last video which you have seen,

Constant है, है है ना? और आपने जब किया किया तो जैसे मैंने आपको वीडियो में ही explain किया है, कि को आप वाई एक्सिस में लेंगे और इसे हम क्या कह सकते हैं वी ग्राफ कह सकते हैं और नेचर आप बताइए इसका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरल टू टाइम एक्सेस ओके okay, तो ये अब आपका वीटी कर्व हो गया जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बट कीप इन माइंड टाइम चेंज हो रहा है मान लीजिए यहां टी वन था यहाँ टी टू था तो अगर मैं दो टाइम इंटरवल पर टी वन टी टू पे कि मुझे कॉमन वेलोसिटी है मेरी ए बी जो है वो तो वेलोसिटी रहेगा लेकिन अगर सी डी मैं बनाऊं तो ए बी सी डी एक क्या बन रहा है एक कर्व बन रहा है जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं और ये कर्व का जो शेप है वो हमें रेक्टेंगुलर दिख रहा है करेक्ट तो अब हम इस कर्व का क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं तो जैसे मैंने एरिया निकाला तो एरिया क्या होगा इट इज नथिंग बट ए बी इंटू सी डी सॉरी ए बी इंटू बी सी है ना ए बी इंटू बी सी का क्या मतलब हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ ना आपका ये बी सी है ये ए बी है तो ए बी तो आपका कौन देगा टाइम एक्सिस देगा और बी सी कौन देगा आपका वेलोसिटी से पता चलेगा आपको तो आपका जो ए भी मेजर हो रहा है एरिया में वो टाइम इंटरवल है यानी टी टू माइनस टी वन और जो आपका ये बी सी है वो आपकी वेलोसिटी है सो व्हाट इज योर एरिया ऑफ द कर्व दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम है ना अगर वेलोसिटी इनटू टाइम गैप है तो आप वेलोसिटी इनटू टाइम को क्या कहते हैं बाय द डेफिनेशन इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट Isn't it? तो आप आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन मोशन तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफ जो का होता है उसमें एक रेक्टेंगुलर कर्व बनता है और उसका एरिया हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है तो जब भी आपका कर्व निकलेगा वीटी ग्राफ का तो याद रहे कभी आ, शेप बदल भी गया तो ऑलवेज इट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट ओके अब जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है our next graph is again it is vt graph only our next graph is vt graph but now it is a uniformly accelerated motion देखिए ये important है ना अब हमारे पास यूनिफॉर्मली तो है पर एक्सेलरेट हो रहा है मोशन आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जब हमारी पोजीशन भी थी अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे थे उस समय भी अगर हमारे वो यूनिफॉर्म मोशन था यानी पोजीशन बढ़ती चली जा रही थी लेकिन जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था तब हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल रही थी आपको याद होगा लेकिन यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे इट विल बी स्ट्रेट लाइन बट इट विल टू टाइम एक्सेस और जब ऐसा कोई कर्व आपको दिखता है स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड टू टाइम तो एक्सेस तो बहुत सही तरीका सिर्फ है कि याद रखिए कि हमेशा इसे हमें स्लोप निकालना पड़ेगा और स्लोप जो होता है वो कुछ नहीं बट टैन थीटा होता है तो हमें एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना पड़ता है इस ट्रायंगल को हम ए बी सी कह सकते हैं और जो ये ट्रायंगल बनता है उसमें यहां आप जो थीटा कहते हैं तो आपको होता है हाइट अपॉन बेस दिस इज ऑलवेज है ना बीसी अपॉन ए बी और इसी टेन थीटा को हाइट अपॉन बेस को आप कहते हैं स्लोप स्लोप ऑफ द कर्व अगर नेचर की बात कहूं तो नेचर क्या कह रहा है इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट एक्सेलरेटेड हो रहा है इसलिए वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस और अब इसका नेचर अगर ऐसा है तो ये हमें देगा क्या ये हमें स्लोप दे रहा है ना और इसका स्लोप जो है वो क्या है इट इज नथिंग बट वी टू माइनस वी वन बाय टी टू माइनस टी वन यानी चेंज इन वेलोसिटी थी ना बी सी जो ये बी सी थी ये वी टू माइनस वी वन यानी चेंज इन वेलोसिटी जो हम वाई एक्सिस में मेजर कर रहे थे और ए बी क्या था ए बी था